नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। इस वक्त की बड़ी खबर है, अनंत सिंह के जो सहयोगी थे वो लल्लू मुखिया, जो कि बाढ़ से एक उनके रिश्तेदार भी कहे जाते हैं, उन्होंने अभी अभी बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया है। बता दूं आपको, जिस तरीके से अनंत सिंह के घर पर जब AK-47 मिला था, उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके कई सहयोगी जो थे उनके ऊपर भी कड़ी कमर कसी थी। लेकिन इस बीच जब ये कोर्ट पहुंची पुलिस, तो वहां पे कोर्ट ने 3 लोगों पे वारंट जारी किया था, जिसमें एक लल्लू मुखिया भी थे। उसके बाद जब लल्लू मुखिया फरार हुए, तो कोर्ट ने उनकी घर की कुर्की जब्ती की भी बात की थी और पुलिस ने कुर्की जब्ती भी की थी, तोड़फोड़ भी किया था। उसके बाद आज जो लल्लू मुखिया हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और ये जो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, जिनके उनके साथ साथ एक थे, 3 लोगों के ऊपर जो वारंट जारी किया गया था कोर्ट में, उसमें एक अनंत सिंह थे जिन्होंने दिल्ली में जाकर सरेंडर किया। वही जो दूसरे थे रणवीर यादव, जिसे पुलिस ने बाढ़ से गिरफ्तार किया था, और तीसरे थे लल्लू मुखिया। ये लल्लू मुखिया ने आज सरेंडर किया है और हमारे साथ अविनाश, हम इस पर बात करेंगे कि अविनाश, क्या पुलिस की दबिश जो थी वो काम कर गई? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कुर्की जब्ती जब होती है तो अब कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि घर तोड़े जाते हैं। घर अगर कुर्की जब्ती को समझा जाए निर्भय, तो घर के सारे खिड़की दरवाजे पुलिस उठा ले जाती है, जितने सामान होते हैं उसको पुलिस अपने साथ उठा कर ले जाती है। दबिश बनाई जाती है कि अब अगर आप अपने आप को सरेंडर या पुलिस के हवाले नहीं करते हैं, तो जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। और फिर से जो दबिश बनती है पारिवारिक, जो परिवार को फिर इसके बाद थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि घर तोड़ा जाता है और जिस तरीके से तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं पूछताछ के लिए फिर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो इस सब को लेकर जो दबिश बनती है, वाकई में इस पर बड़े से बड़े जो आरोपी होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो फरार चल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर जरूर कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये एक बहुत मतलब रेयर केस में सबके साथ नहीं होता हुआ दिखता है, जो काफी इस तरीके से फरार चलते रहते हैं, जिन पर काफी दबिश बनाने की आवश्यकता होती है, उसको लेकर लल्लू मुखिया के खिलाफ बाढ़ कोर्ट ने कुर्की जब्ती के आदेश दिए थे, और उसके बाद से प्रशासन ने त्वरित उस पर कार्रवाई की थी, और उसके बाद से घर द्वार उनके जो कुर्की जब्ती की जाती है वो की गई थी, जिसके बाद आपने बताया कि आज लल्लू मुखिया ने सरेंडर कर दिया। हालांकि जब अनंत सिंह का जो प्रकरण आया था, वो AK-47 उनके पैतृक आवास यानी कि जो पैतृक गाँव है वहां पर, जो उनका पैतृक घर है वहां से मिलने की बात आई थी, और उसके बाद प्रशासन ने दबिश बनाई थी और उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट था वो माननीय बाढ़ कोर्ट ने जारी किया था। लेकिन उस बीच 2 और वारंट जारी किए गए थे, जो आपने एक नाम बताया रणवीर और दूसरा लल्लू मुखिया। ये दरअसल अनंत सिंह के इस AK-47 मामले से कहीं भी मेल नहीं खाता है, ये एक दूसरा मामला है, जो भोला सिंह के खिलाफ जो मामला चल रहा था, भोला सिंह को लेकर एक मामला चल रहा है, उसमें ये दोनों आरोपी हैं, लल्लू मुखिया और रणवीर का जो नाम बता रहे हैं माननीय सहयोगी निर्भय, ये दोनों उस मामले में नामजद हैं, इसलिए इन पर दबिश बनाने के लिए प्रशासन ने कुर्की जब्ती के लिए आवेदन दिया था, कोर्ट से प्रे किया था, और इस दौरान माननीय कोर्ट ने उसी दिन, जिस दिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट निकला था, उसी दिन इन दोनों के खिलाफ भी कुर्की जब्ती के ऑर्डर निकले थे, और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दोनों के घर की जब्ती की थी। हालांकि जब ये दोनों तीनों कांड एक साथ हो रहे थे, क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह का मामला चल रहा था, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आया, और दूसरा ये कि लल्लू मुखिया और रणवीर के खिलाफ जो था कुर्की जब्ती आया, तो लोगों को लगा कि कहीं इसी मामले को लेकर, अनंत सिंह के AK-47 जो उनके घर से बरामद हुआ था, इसी मामले को लेकर इन दोनों के खिलाफ भी प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन ये बिल्कुल अलग मामला है, ये भोला सिंह के का एक मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों के खिलाफ कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर जारी किया था निर्भय, और आज उसने लेकिन अविनाश एक चीज ये भी कहा जा रहा था कि जब अनंत सिंह फरार हो गए थे, जब पुलिस जो दबिश देने गई थी उनके सरकारी आवास पर, जिसके बाद जब वो फरार हुए, तो उसको जोड़ करके ये भी देखा जा रहा था कि उनके जो सहयोगी हैं, भोला सिंह को सहयोगी माना गया है, या फिर जो भोला सिंह जो थे जिनके हत्या के मामले में इन लोगों को साजिश रचने का ये पूरा मामला था, और इसको लेकर के पंडारक जो थाना है उसमें मामले दर्ज थे, लेकिन उसके जो अनंत सिंह जब फरार हुए
उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनके सहयोग से ये कहीं छिपे हैं, ये भी मामला इसके बीच में जोड़ा जा रहा था। बिल्कुल, देखिए कड़ियां प्रशासन हर तरीके से जोड़ती है, कड़ियों को जोड़ जोड़ कर ही कहीं ना कहीं नतीजों पर पहुंचा जाता है। और शायद जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर, पटना आवास उनका जो सरकारी फ्लैट है वहां पर जब पुलिस पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं जो वहां से उनके एक सहयोगी या उनके एक रिश्तेदार जो छोटन सिंह है उसको भी गिरफ्तार किया था, उन पे भी कई मामले चल रहे थे। हालांकि उस पर भी लेकर अनंत सिंह ने काफी कुछ कहा था अपने वीडियो जारी करके, लेकिन जब अनंत सिंह का मामला आता है, हाई प्रोफाइल मामला है, और इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर तमाम प्रशासनिक कड़ियां जो थी, प्रशासन जो है वो कड़ियां जुटाने में लगी हुई थी, और उसमें कहीं ना कहीं जो इनके पहले के सहयोगी रह चुके हैं या रिश्तेदार रह चुके हैं, जहां इनके छुपने, जहां इनके भाग के जाने की अंदेशा था प्रशासन को, वहां पर छापेमारी की जा रही थी, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही थी, उनको पकड़ा जा रहा था। लेकिन इस बीच इसमें जो मुख्य सहयोगी के नाम पे नाम आ रहा था लल्लू मुखिया का आ रहा था, और एक दो लोग और थे उनका भी नाम आ रहा था। इस बीच जो प्रशासन ने इसको समझा और इसको समझने की कोशिश की, तो फिर काफी कुछ जो कुंडलियां खुलती हैं, तो फिर कुंडलियां खुलने लगी, और उस कुंडली में भी एक केस का जो भोला सिंह के जो मामला जुड़ा हुआ बताया जाता है, उसमें फिर आवेदन प्रशासन ने दिया कि कोर्ट में कि कुर्की जब्ती के लिए, और फिर कुर्की जब्ती का ऑर्डर मिला, और कुर्की जब्ती करते ही लल्लू मुखिया ने आज सरेंडर कर दिया। निर्भय, बिल्कुल, तो जिस तरीके से इस मामले को देखे तो अनंत सिंह के बाद ये मामले आगे बढ़ते गए और कड़ियां एक के साथ दूसरी जुड़ती गई, और इस कड़ियों में अब जो तीसरे जो व्यक्ति थे लल्लू मुखिया, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। जिस तरीके से जब रणवीर यादव को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद अनंत सिंह ने भी सरेंडर किया था साकेत को दिल्ली में जाकर के, उसके बाद आज पुलिस की दबिश के साथ एक बार फिर से लल्लू मुखिया ने सरेंडर कर दिया है। तो जो तीन आरोपी को लेकर के पुलिस जिस पे ज्यादा सख्ती बनाई हुई थी, इन तीनों में, हालांकि लल्लू मुखिया जब फरार चल रहे थे उस बीच ये भी देखा गया कि एएसपी जो थी उन्होंने एसएसपी गरिमा मलिक से ये निवेदन किया था कि जो लल्लू मुखिया हैं उनके ऊपर 50,000 जो रुपए का, अगर गिरफ्तार करने के बाद जो उनके मतलब गिरफ्तारी के लिए जो पैसे जारी किए जाते हैं कि अगर जो गिरफ्तार करेगा या जो फिर सूचना देगा उन्हें वो पैसे दिए जाएंगे, इसको लेकर के अनुशंसा भी की थी, लेकिन उससे पहले ही ये प्रशंसा, ये जो 50,000 रुपये जो जारी होते उससे पहले लल्लू मुखिया ने फाइनली सरेंडर कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लल्लू मुखिया ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, पुलिस की दबिश काम आई और लल्लू मुखिया ने सरेंडर कर दिया है। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।